नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे एक नई जो वैकेंसी आई है RSMSSB के ऊपर, CET जिसे कहते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल ओपन कर लिया, RSMSSB टाइप करा है, ये लिंक जो है ऑफिशियल है उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल 2022 डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो है वो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है स्नातक स्तर के लिए आपके यहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है। आज 21/9/2022 को ये विज्ञप्ति जो है जारी की गई है RSMSSB के द्वारा। यहाँ पर पहले बात करते हैं किन किन पोस्टों के लिए जो है ये टेस्ट होगा। तो सेवा का नाम यहाँ दे रखा है, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, उसके अंदर प्लोटून कमांडर, राजस्थान अभियंत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंदर जिलेदार और पटवारी की पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के अंदर तहसील राजस्व लेखाकार की पोस्ट होगी। राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के अंदर पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, उसके बाद राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा के अंदर पर्यवेक्षक, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा के अंदर उप जेलर, राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के अंदर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड जो है। इस तरह की 8 पोस्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है जिनके लिए जो ये समानता पात्रता परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इन्होंने कि एक ये जो है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर मात्र एक पात्रता परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपलब्धों के अनुसार की जाएगी। किसी व्यक्ति का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा इसको रजित कर लेना ही मात्र उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा, यानी कि केवल ये जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह है। अगर आप इसे क्लियर करते हैं तो उसके बाद जो है मेन एग्ज़ाम में आपको दिया जाएगा। उसके समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर जो है परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा, यानी कि एक वर्ष के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी एग्ज़ाम की अगर आप इसे पास कर लेते हैं। तो इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकने के पात्र होंगे, किंतु उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थियों को जो वही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किए जाएँ। समान पात्रता परीक्षा में उल्लंघित पदों पर चयन करने के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश दिया जाएगा। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं समान पात्रता परीक्षा से लेकर, ये पहली बार जो है वो आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, इसके लिए आपको RSMSSB से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर SSO ID से क्लिक कर भी कर सकते हैं। इसका एक वीडियो मैंने पहले बना रखा है, उसके लिंक दे दूँगा और इसके लिए भी मैं एक अलग से आपके वीडियो बना दूँगा जिससे आप इसे फिल कर सकें। यहाँ पर भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो गई है, यानी कि आपको एक बार सभी चीज़ें फिल कर देनी होगी, बार बार उसे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक आईडी प्रूफ के विवरणों का इंद्राज और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने अनिवार्य होंगे, ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि OTR क्रमांक जनरेट होने के पश्चात जो है वो OTR का क्रमांक जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसके अंदर स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी संकर्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा, यानी कि एक बार आपने OTR जनरेट कर दिया है तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप शांति से आराम से करें, अपना नाम वगैरह, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, जो भी परीक्षा संबंधित विवरण दे रहे हैं वो आराम से देवें ताकि वो सही देवें। उसके बाद लिखा है कि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग में यदि कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए। यानी कि आपको लग रहा है कि आपके आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में कोई चेंज, नाम गलत है या फादर नेम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है या आपका जेंडर गलत डल गया है तो इनको पहले सही करवा लें, उसके बाद ही आप जो है वो उसके OTR का फॉर्म जो है फिलअप करें। यानी कि अभी अब ये विज्ञप्ति आ चुकी है तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए तो सप्ताह भर के अंदर आपका जो ये है वो सही हो जाएगा और आप इसे भर सकते हैं। आवेदक को स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें।
यानी कि बदलना नहीं है, ये वही रखना है ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहेगी ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे। तो इस तरह से कुछ नंबर्स भी, हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा रखें, तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पत्र व्यवहार जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करना, फॉर्म भी भरना पड़ेगा। इसके बाद आवेदक का शुल्क की बात करते हैं, तो सामान्य वर्ग के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 450 रुपये है। नॉन क्रिमिनल श्रेणी की पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 350 रुपये है। विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये जो है वो लगेंगे। अब नीचे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितनी पोस्टें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस पद की कितनी पोस्टें यहाँ पर अवेलेबल है। तो प्लाटून कमांडर की 43 यानी 43 पोस्टें हैं, जिलेदार की पोस्टें नहीं हैं, पटवारी की पोस्टें 272 हैं, कनिष्ठ लेखाकार 1923 सबसे ज़्यादा किसी वैकेंसी है वो यही है, कनिष्ठ लेखाकार की 1923 पोस्ट हैं। तहसील राजस्व लेखा अधिकार 198, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता 174, पर्यवेक्षक जो समेकित बाल विकास सेवाओं के अंदर कोई पोस्ट अभी नहीं बताई गई है। उप जेलर की पोस्टें हैं 49, 49 पोस्टें हैं। छात्रावास अधीनस्थ ग्रेड सेकंड के लिए 335 पोस्टें जो हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पर दो नियम दे, विभाग वार एवं सेवारत रिक्त पदों की संख्या में मुख्य परीक्षा के समय कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी कि अगर कोई पोस्ट नहीं है तो भी पोस्ट जनरेट कर सकते हैं या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपि वर्गीय समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 में समान पात्रता परीक्षा स्नातक में सम्मिलित पदों में संबंधित सेवा नियमों में किया गया कोई भी संशोधन मान्य किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं। स्नातक स्तर के संबंध में विशेष दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं जो आप पढ़ लीजिए। इसकी लिंक जो है पीडीएफ की लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आरएसएसएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि आपको क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि आपकी ग्रेजुएशन लेवल की योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तो भी यहाँ पर विस्तृत रूप से जानकारी यहाँ पर दे रखी है, एज भी दे रखी है, नाम दे रखा है, विभाग दे रखा है। तो सबसे पहले महिला अधिकारिता के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। जल संसाधन विभाग पटवारी 18 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। उसके बाद स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, और के अंदर आपको जो कंप्यूटर रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जो RSCET हो गया, कोपा के अंदर डिग्री हो गई, कोई डिप्लोमा है वो है, तो इस तरह से की जो है मान्यता, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जल संसाधन विभाग के अंदर आपको स्नातक की ज़रूरत है। गृह रक्षा विभाग के अंदर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य अर्थात या नायाब सूबेदार या उसके ऊपर के रैंक का समक्ष रूप से भूतपूर्व सैनिक जो है वो यहाँ पर आपको भर सकता है। उसके बाद बात करते हैं राजस्व मंडल के अंदर तहसील राजस्व लेखा अधिकारी और कोष लेखा विभाग के अंदर कनिष्ठ लेखाकार, तो ये भी जो है वो यहाँ पर डिग्री धारिता करता हो या सरकार द्वारा आयोग के परामर्श मान्यता प्राप्त समतुल्य अर्हता रखता हो, यानी कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या फिर लागत के समक्ष लेखाकार संस्थान कोलकाता या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई चाहिए, या फिर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी कि CA का जो है सी नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। और के अंदर आता है कि आपको ओ लेवल या उच्च लेवल का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, कंप्यूटर डेटा प्रोफेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र आपके पास है, या फिर कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है, तो आप ये चीज़ें आप भर सकते हैं। या फिर राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड नियंत्रित वर्धमान महावीर खुला विद्यालय द्वारा संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कारागार विभाग के अंदर उप जेलर की, तो यहाँ पर विधि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा होनी चाहिए, उत्तीर्ण की होनी चाहिए, समेकित बाल विकास सेवाएं पर्यवेक्षक के लिए भी वही है, स्नातक होना चाहिए, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता के लिए भी स्नातक, यानी कि आठों पोस्टों में जो है आपको स्नातक और कुछ पोस्टों के अंदर RSCET या कंप्यूटर रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है आपको जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन तरीके, अब आयुक्त जो है उसकी बात हमने कर ली है, आयुक्त बता रखी है सबकी, साथ में कुछ छूट भी दी गई है, तो छूट के लिए यहाँ पर नियम जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बहुत सारे नियम जो है आपको दे रखे हैं। अब अपन बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि क्या होगी, यानी कि लास्ट डेट क्या है और स्टार्टिंग डेट क्या है। तो यहाँ पर लिख रखा है कि 22/9/2022 यानी कि कल से ही इसकी दिनांक जो है शुरू हो जाएगी, और फॉर्म भरे जाएंगे 21/10/2022 तक रात्रि 23:59 तक जो है ये फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जो है 22/9/2022 से दिनांक 21/10 को 23:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि परीक्षा का आयोजन कब होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा,
तो बोर्ड परीक्षा जो है वो दिनांक 6/1/2023 से 9/1/2023 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि जनवरी 23 के अंदर जो है उसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 3 महीने जो है आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। तो ये था आयोजन है, उसके बाद प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करने हैं, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको जो है SSO आईडी से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसका वीडियो भी जो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और नियुक्ति के लिए अयोग्यता कुछ दे रखी है कि ज़्यादा दो से ज़्यादा जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए, या कुछ दहेज वगैरह नहीं लिया, बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं, गाइडलाइन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, आयु योग्यता श्रेणी के अनुसार जो है आप एक बार चेक कर लें। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है भरना है, यहाँ पर फोटो आपको फोटो जो है वो भी आपको बता रखा है किस तरह फोटो का आवेदन का चेहरा कम से कम 50% जगत घेरा होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो हल्का सफ़ेद या फिर हल्के रंग का होना चाहिए, और उसकी साइज़ जो है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और पिक्सल्स वगैरह भी बता रहे हैं। उसकी फाइल का आकार जो है 50 KB से 100 KB के मध्य होना चाहिए, स्कैन फोटो का आकार जो है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हस्ताक्षर जो है वो यहाँ पर आपको बता रखे हैं वो भी 20 से 50 KB के मध्य होने चाहिए। इस तरह से लिख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर किया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी क्लियर वो जो है फोटो आपको चाहिए, वाइट पेपर पर आप सिग्नेचर कर लीजिए ब्लू ब्लैक पेन से, उसके बाद इसे अपलोड कर लीजिए। शोध लेखन की सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन का संशोधन की प्रक्रिया के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि अंतिम दिनांक के पश्चात यानी 7 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है, 300 रुपये का शुल्क देकर जो है वो आप अपने अभ्यर्थी जो है नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पद नाम, जन्मतिथि, लिंग अथवा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर सकता है, यानी कि 300 रुपये लगेंगे उसके लिए। तो वो भी वहीं से ऑनलाइन जो पोर्टल है वहीं से आप कर सकते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप कहेंगे कमेंट के अंदर। तो आवेदक में गलत सूचना प्रस्तुत करना, उनके साधनों का रोकथाम के लिए कुछ नियम दे रखे हैं। उसके बाद परीक्षा की स्कीम